हेलो एवरीवन, आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके बाद आइल्स स्पीकिंग में आप कभी फेल नहीं हो गए। ये एक ऐसी वीडियो है कि अगर आप 10 डेज इसे प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप खुद नोटिस करना कि आइल्स स्पीकिंग मॉड्यूल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो डैट मीन्स इसमें मैं आपको 10 डेज वाला प्रिपरेशन प्लान बता रही हूँ। अगर खाली 10 दिन भी बचे हैं ना, तब भी आप आइल्स एग्जाम क्लियर कर लोगे। बस फॉलो करो जो जो चीज मैं आज इस वीडियो में बोलने वाली हूँ, उसी तरीके से आपने सब कुछ करना है अगले 10 दिनों तक। सो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे बहुत जरूरी है वो है कि आपने रोज इंग्लिश में ही बात करनी है अगले 10 डेज तक। स्पीक इन इंग्लिश डेली। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मैम ये तो बड़ा बेसिक सी टिप है ना आप जो दे रहे हो अभी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। ये जो स्पीक इन इंग्लिश डेली है ना, ये ऐसा है कि व्हेन यू आर ईटिंग फूड, व्हेन यू आर एट होम और व्हेन यू आर टॉकिंग टू सम कजन ऑफ योर्स, सम फ्रेंड ऑफ योर्स, यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। एंड चाहे गलत इंग्लिश बोलो बट बोलो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो मेक इट अ पॉइंट दैट आप इंग्लिश में बात करो। अब देखो बहुत बार ऐसा एटमोस्फेयर होगा कि नहीं समझ आएगी इंग्लिश सामने वाले पर्सन को, तो हम उसे ऑफेंड करने के लिए इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। तो उस केस में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, देखो स्पीक इन इंग्लिश डेली तो है ही है, बट इन दैट केस यू शुड नो कि आप क्या बोलने वाले हो इंग्लिश में। बी इट सर्विंग द प्लेट, बी इट स्प्रेडिंग द बेडशीट, ठीक है समर, जस्ट कम एंड हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द बेडशीट, टेक डाउन द क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ्स हैंगर, लेट अस फोल्ड द क्लोथ्स टुगेदर। जो भी बेसिक सेंटेंसेस भी है ना, वो भी इंग्लिश में बोलने। और आप खुद देखना कि एक कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेशन आपको समझ आने लग जाएगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक वर्ड्स भी समझ आने लग जाएंगे। लेट्स रिंस योर माउथ राइट नाउ, डू दिस, डू दैट, ब्रश योर टीथ, जो भी है बेसिक टास्क्स भी, बेसिक एक्शंस भी इंग्लिश में ही हो। जो आपकी बेसिक रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, कुछ भी है, वो इंग्लिश में हो, सो दैट आपको वर्ड्स को हिंदी से इंग्लिश में या पंजाबी से इंग्लिश में उसके ट्रांसलेशन आती हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें, ठीक है। नाउ ये जो है ना स्पीक इन इंग्लिश डेली, इसका मेन मोटिव हमारा ये है कि यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। जब आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दोगे तो हाफ द बैटल इज वन, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू। सो थिंकिंग इन इंग्लिश, ओके, प्रे इन इंग्लिश, फाइट इन इंग्लिश। इंग्लिश शुड बी समथिंग जो आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट जो काफी जरूरी है, दैट इज डायरी एंट्री। रोज रात को सोने से पहले एक डायरी एंट्री आपने लिखनी है। अब डायरी एंट्री दोज हू डू नॉट नो होता क्या है, आज सुबह से शाम तक आपने जो भी करा कुछ 10 to 12 सेंटेंसेज आप इंग्लिश में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, I woke up around 6:15 in the morning. Then I had my breakfast, and afterwards I got ready for the office. Today I had a very hectic day, so I planned the whole shoot process in such a manner that I was able to finish all the videos before 6. So something like that. जो जो आपने करा उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। एंड कोई नहीं आपको बोल रहा कि हर एक टेंस को यूज करो। अब यहाँ पे ये जो दो चीजें मैंने बोली ये तो अगले 10 डेज तक करनी ही करनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपने खाली 6 टेंसेज इंग्लिश में यूज करने हैं। हर एक टेंस की यूजेज की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये 6 टेंसेज कौन से हैं? पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड वाला है, बट ये वो है जिससे कि एग्जामिनर को पता लगेगा कि आपको नॉलेज अच्छी है, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, ओके, या फिर आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 years. शी हैज बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर द लास्ट 5 years. सो सिंस हम तभी यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट ईयर पता है, एंड फॉर तब यूज करते हैं जब फॉर 10 years, फॉर 4 hours, फॉर 5 hours. ओके, अब इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. 6 टेंसेस कौन कौन से आपने यूज करने हैं, सो वीडियो का लिंक मैं अब शेयर कर रही हूँ, वो जरूर ध्यान से देख लेना. और बस वही 6 टेंसेस यूज करने हैं आपने व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड व्हेन यू आर राइटिंग द डायरी एट नाइट बिफोर स्लीप. ये तो हो गई हमारी पहली चीज जो हमें जरूरत पड़ेगी. सेकेंड थिंग, हमारे पास समवेयर अराउंड 60 to 70 क्यू का टॉपिक्स हैं. सारे प्रिपेयर नहीं करने हैं, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करो. पर्सन रिलेटेड एक क्यू कार्ड प्रिपेयर कर लो अच्छे से, एक प्लेस रिलेटेड क्यू कार्ड टॉपिक प्रिपेयर कर लो, ठीक है, एक फेवरेट टॉय रिलेटेड, कुछ चाइल्डहुड मेमोरी रिलेटेड, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, प्लेस, टॉय, चाइल्डहुड मेमोरी, कोई स्किल, ठीक है, सम एनिमल, कोई इवेंट जो आपने अटेंड करा, ठीक है. फ्यूचर में व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू रीच कनाडा, और योर ड्रीम, योर एस्पिरेशंस, एक प्लांट रिलेटेड कोई क्यू कार्ड टॉपिक प्रिपेयर कर लो, ठीक है. अ प्लेस दैट गिव्स यू, ठीक है, वेयर यू फील पीसफुल. सो अगर आप टोटल देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो. बाकी के सारे क्यू कार्ड्स को एक बार देख लो. यू शुड हैव एन आइडिया, ठीक है, अबाउट एवरी सिंगल क्यू कार्ड. तो पता होना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू दिस क्यू कार्ड, इफ सपोज अ पर्टिकुलर क्यू कार्ड कम्स एंड उसमें यू डू नॉट हैव आइडियाज, देन ऑल्सो यू शुड बी एबल टू स्पीक अप. सो वहां पे आप सिंपली इंट्रोड्यूस, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, इलेबोरेट एंड कंक्लूड वाली स्ट्रेटेजी यूज करोगे. तो ये अपने मेन टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. पर्सन रिलेटेड कोई भी क्यू कार्ड आ जाए वही सेम आप टॉपिक बोलोगे. इसके ऊपर भी देयर इज ऑलरेडी अ वीडियो इन दिस स्पीकिंग प्लेलिस्ट, एंड वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. लिंक अबव, यू मे गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, कि कैसे एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है क्यू कार्ड का जो किसी भी टॉपिक में आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन स्पीक अप ऑन द सेम. फॉर एग्जाम्पल, वेल आई हैव मेट सो मेनी पर्सन्स इन माई लाइफ, बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन पर्सन हु इज मोस्ट, ठीक है, who is most close to my heart, or who is closest to my heart, and that person is none other than my friend. कुछ भी आप बोल सकते हो जो आपको लगता है, ठीक है, तो वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो. थर्ड थिंग, आप ये मत सोचो कि कौन कौन से इडियम्स यूज करने हैं. अगर स्पीकिंग एग्जाम को क्रैक करना है और 10 days ही है, तो आपके माइंड में खाली 2 इडियम्स होने चाहिए, और यही 2 इडियम्स यूज करके आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो. और ये 2 कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मेड अप माई माइंड, ठीक है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू स्कोर बैंड 9 इन आइल्स राइटिंग. आई हैव मेड अप माई माइंड दैट आई विल स्कोर बैंड 9 इन आइल्स राइटिंग, ऐसा भी कुछ. नेक्स्ट, ओवर द मून, आई वॉज ओवर द मून व्हेन आई स्कोर्ड बैंड 9 इन आइल्स स्पीकिंग. I was over the moon when I scored band 9 in IELTS speaking. I was over the moon when I scored band 8 in IELTS speaking. For those who do not know, I've scored band 9 in IELTS speaking, I've scored band 9 in IELTS listening, and I've scored band 8 in IELTS writing as well. So that is there. Now last but not least, 10 days ही है, तो बस इतना ही कर पाओगे. अगर ये भी रोज कर लोगे ना, more than enough है. And the last thing is worn method. कनेक्टर्स, जब भी स्पीकिंग का एग्जाम है या प्रैक्टिस कर रहे हो विद समवन, बिकॉज स्पीकिंग इज समथिंग जिसके लिए आपको किसी ना किसी के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत ज्यादा है. प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई गाइड करेगा कि आप ये गलतियां कर रहे हो तभी तो आप इम्प्रूव करोगे, पर अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या गलतियां कर रहे हो, तो हाउ विल यू बी एबल टू इम्प्रूव. सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू. फोकस ऑन improving, getting rid of the mistakes, and for the same you can contact us on the number given on the screen. Simply contact us on this number and आपको easily इस चीज की help मिलेगी. ये है Vaughan method. Vaughan method होता है connectors के लिए use. W is for while whereas, A is for although, next is for also, R is for rather than, N is for not only but also. कोई भी स्पीकिंग का एग्जाम आपका है या आप क्लास में या जहां पे भी कोचिंग ले रहे हो उनके साथ आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो, बस यही 5 कनेक्टर्स भी अगर आप यूज करोगे मोर देन इनफ. एंड इसके एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में समझाई है कि ऑल्सो कैसे यूज करना है, ऑल्दो कैसे यूज करना है ना, ये हर एक चीज डिटेल में बताइए. यू में गो एंड चेकआउट दैट वीडियो, उसका भी लिंक मैं अब शेयर कर रही हूँ. सो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट है कि कैसे आप IELTS स्पीकिंग एग्जाम क्रैक करो 10 days में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर one-on-one क्लासेस. बिकॉज अगर राइटिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल में स्टक हो, उसमें स्कोर नहीं आ रहा, तो ग्रुप क्लासेस से कोई बेनिफिट नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन. अंटिल देन बाय बाय.